गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्रीमादा क्लासेस। आज देखमा परसेंटेज रो क्वेश्चन सीरीज। परसेंटेज रो जहाँ भी क्वेश्चन आसी एस एस सी एवं रिसेंट जहाँ भी एग्जाम कर पचारिछ सब क्वेश्चन देखमा। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं कि मुझे आसी नहीं लगे जेने टी लगे कि लेवल भल अच्छे से क्वेश्चन के करी है तो जिन सब इजी क्वेश्चन अच्छे तो समस्त करपार। हो चलो स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया सम स्टूडेंट ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियड एग्जाम। 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल फेल्ड द एग्जाम। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास द एग्जाम। ए टोटल नंबर ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। है ये लिखा हाँ कि कहना कर प्रोसेस तुम्हें देख ये फास्ट कह सब स्टूडेंट्स ओनली बॉयज आउ गर्ल्स मैंने गोटे स्कूल ने खाली बॉयज आउ गर्ल्स ही अच्छा मेनसन कराई है तो फॉर डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियड एग्जाम। गोटे ओलंपियड एग्जाम लेकिन आसते 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। तो यू जना पड़ा कि 20% बॉयज रो 20% बॉयज रो आउ 15% गर्ल्स फेल्ड है आउ ए तले दिया है देखो ए टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल्ड तमने तुम कह कि ए दुईटा के मिसेले 90 हेबा कथा एतकी गला फास्ट एतकी जानि पारलो कि नहीं पारलो। एडी लिखा है 20% बॉयज आ 15% गर्ल्स फेल्ड हेले बाकी दुई जन के मिसेला परे 90 हेबा एटा तले मेंशन करा है हला। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम यदि 20% फेल्ड हिचन तो मते बताओ 80% पास तो होते कि 80% बॉय पास होते यहाँ फेल्ड वाला सीरीज लिखी दिली एटा फेल्ड रे कि पास रे तो मतलब बताओ 20% बॉयज तो पास होते ना ठीकला तब से कह इज 70 मोर देन द गर्ल्स हु पास द एग्जाम। तो गर्ल्स के पास होते 85% पास होते जदि 15% फेल्ड हेले तो 85% गर्ल्स पास हो जाए है आ से कह बॉयज नंबर 70 अधिका अच्छी पास सेसन तो तुम दुईटा के माइनस करव तेज तुम 70 आसवा कथा एतक हो गला दुईटा इक्वेशन तब से कह फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम मैंने भी टोटल बॉयज आउ गर्ल्स के मिसेबार अच्छे बॉयज भी 100% मिसे भी के गर्ल्स भी 100% मिसेले के आसवा यहाँ मतलब दरकार अच्छे बतला तो ये मुझे के देख जब इक्वेशन सल्व कर आज तो ये कल कर आईदर बॉयज के कैनसल कर दि ना गर्ल्स के लिए कैनसल कर दि तुम जो 4 मल्टीप्लाई कली तो ये ही तो ये भी 4 मल्टीप्लाई ये भी 4 मल्टीप्लाई ठीक है मल्टीप्लाई कर आगे जदि 4 मल्टीप्लाई है के आसवा तुम कह कि ये जब माइनस कल ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस तुम कह कि ये 80 बॉय कटिगले 12 15 चौक के 60 तो 60% हो गला आ ये प्लस है 85% तो 8 6 14 मैंने 145% 145% गर्ल्स इक्वल टू 9 6 36 ये गला 360 और 360 रु जदि 70 गला तो हबा 290 290 तो मते बताओ 1 1% रो वैल्यू केते आसला जदि 145% रो वैल्यू होला 90 तो 1% लागि 22 हेइत बागि 1% रो वैल्यू 2 हेइत बा तो गर्ल्स रो 100% रो वैल्यू 200 हेइबा केते हेइबा 200 कहीं कि 1 1% लगे जो दुई दुई गुणन हो तो 100% लगे भी दुई गुण ना कि 200 देख तुम जापारे कि गर्ल्स रो देखो ये गोटे आम इक्वेशन जानी थी 20% बॉयज 15% गर्ल्स मिसिकी दे 90 तो गर्ल्स जो टोटल 20% 200 अच्छे तो 200 15% के 15 दुगुणे 30 हला तो माने 300 तो ये आसीबा 30टा ये आसबा 30टा यदि तारी संगे 30 मिसि कि 90 हबा तो तुम कहबो कि ए नंबरटा 60 दिबा ए नंबरटा 60 दिबा 20% रो वैल्यू जदि 60 हला 20% रो वैल्यू जदि 60 हला तो 3 मल्टीप्लाई होउ तो बॉयज रो 100% रो वैल्यू केते हबा एटी भी 3 मल्टीप्लाई जबा तो तुम कहबो कि 300 आसी जबा तुम जानली बॉयज रो 100% रो वैल्यू केते 300 तो टोटल स्ट्रेंथ के 300 प्लस 200 इक्वल टू 500 इक्वल टू 500 तब ने ऑप्शन सी तुम राइट आंसर है जीवा है गला। तब पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25%
एंड द लेबर कॉस्ट हैज गोन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल व्हाट परसेंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट आज सेम आज दैट बिफोर द इनक्रीज हैला तो क्वेश्चन बहुत भल अछि हैला निजे फर्स्ट ट्राई करो तरे मैं बतौ जे जल्दी जल्दी सरी जेबा हैला तो मैं का कहू जे बुझो एडी कहै जे क्वेश्चन फर्स्ट हो जाउ जे इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे माने जेंडी किछि जिंस तैयारी हुए इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25% जहाँ भी रॉ मटेरियल यूज होतला से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे से इंक्रीज हला 25% रे 25% रे तो तुम एटी लिखो रॉ मटेरियल इंक्रीज रहूची केते रे 25% रे इंक्रीज हला जदी 25% रे इंक्रीज हला तर माने एटा लागी जेंडा 100 थिला अगुरु रॉ मटेरियल से हे जिवा अखन जेंडा अगुरु 100 थिला रॉ मटेरियल से नुवा रॉ मटेरियल हे जिवा 125 ठीक अछि तार पर काना को आइ जेंडा 100 थिला 125 हला तबे से को लागी जो द लेबर कॉस्ट जहां भी थिला से लिखो एंड द लेबर कॉस्ट हैज गोन अप टू 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल रो 30% लेबर कॉस्ट लागू दला फर्स्ट केस रे तो तुम को बगी इडी लेबर कॉस्ट केते बा लेबर कॉस्ट हबा एता 30% या 30% जदि लेबर कॉस्ट ला तो तुम को बगी 30 हबा 100 और 30% 100 और 30% सही 30 हबा तो तुम को बगी 30% माने लेबर कॉस्ट लागू दला फर्स्ट 30 बाकी सेकंड इंक्रीज हेगला 38% रे 38% रे तो एटा नुआ रॉ मटेरियल लो 38% लागबा हला यदि 38% लागु छि से समथिंग 47.5 आसो 47.5 कैलकुलेट करबो 47.5% आसीबा सॉरी 47.5 आसबो एटा 38% डायरेक्ट दुटा के मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो आउ दुटा छाडी के दशमिक बसि आंसर सरीबा हला तो तुम्ही कहू छि कि फास्ट रे तुम मते बताओ कंजप्शन केते उतला माने तुम टोटल एक्सपेंसेस केते आसुला टोटल कंजप्शन केते आसुला तुम कहबो कि 130 आसुला टोटल गुटे प्रोडक्शन हला बेले तुम टोटल केते उतला रॉ मटेरियल 100 रो लागतला लेबर चार्जेस 30 माने 130 लागतला एकेन तुम केते लागला 172.5 हला तो एटा देखो एटा होची ओल्ड वाला जेतबेले इंक्रीज हेई नै थिला ओटा इंक्रीज हला पोरे तो एटा न्यू वाला हला तो मते बताओ एडी हेबा कि तुमर कंजप्शन रे तुम केते एकन डिक्रीज करबार के पड़वा से कोइ जना व्हाट परसेंट द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम तुमी एटू एटा केते एना कमे बिजे से सेम आसवा तो एडी मते केते कमे बार के पड़वा कमे बार के पड़वा 42 पॉइंट माइनस करो 42.5 कमे वाली पड़ला कहार ऊपर कमे बार के पड़ू जे 172.5 ऊपर तो एटा केते परसेंट हबा एत्ती बाहर करबार छी खाली हला तो इनटू 100 एत्ती बाहर करले सला तुम कहू कि गुटे छाड़ी की पॉइंट अच्छी गुटे छाड़ी की पॉइंट तो तार किसी काम नहीं था तो तुम्हें लिखो कि 425 बाय 1725 इनटू 100 तो जब मैं 25 पर ही कैंसिल कर ली तो 4 16 1 17 17 4 68 69 तो आसपास 1700 बाय 69 तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू आसबा से 24.63% तो तुम्हारा आंसर ही डी जीवा के तो ऑप्शन सी तुम्हारा राइट आंसर है जीवा जनरल 24.6 दिया है जी बुझी लगा तो क्वेश्चन मतलब से बुझी पालो सॉल्यूशन भी बुझी पालो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन का ना दिया है जी कोई जी तो प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82 पर लीटर ए मेन ट्रैवल 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स ए माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट रूपी ऑन द मेंस ट्रैवल ड्यू टू हाइक द पेट्रोल प्राइस एतकी गेला तो देखो एडी केना करमा बहुत जल्दी जल्दी आंसर डेटा भी बाहरी जीवा हला तो देखो एडी एटा हबागी तमे कहबो कि तमर जदी तमे जदी केते किलोमीटर जीवार अछि तुमके 3045 किलोमीटर जीवार अछि आउ गाड़ी रो माइलेज जदि 15 लेखा देला तो तुम्हें कहबो कि तुम्हें केते
15 किलोमीटर माइलेज दबा एटा कन्फर्म माने एक एक लीटर तुम्हें 15 15 किलोमीटर जीव तो 3045 किलोमीटर जीवार लगी तुमके केते लीटर तेल दरकार मुझे फास्ट देख 15 काट बोले 15 2 गुणे 30 आउ सुन 15 3 45 मैंने तुम कहो कि 203 लीटर तुमके तेल दरकार एतकी हेगला तो तारपरे जदि एतकी हेला तारपरे आगे देखमा आगे काना दिया है तार आगे दिहला कि 203 लीटर तेल दरकार एतकी हेला तो एटी को हाला कि तुम जहाँ भी पेट्रोल रेट थिला पेट्रोल रेट आगे 2082 थिला लेकिन से गला कि 5% बढ़वा 5% बढ़वा मैंने यही तुम एक्स्ट्रा खर्चा हाँ ना से कह व्हाट इज द इनक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर मैंने अधिका के खर्चा हाँ यहाँ मागिच तो जो 82 टाँग आगु थिला एतार जो मतलब 5% दरकार तो 10% वैल्यू हाँ 8.2 एतार अधा हो गए 4.1 तो तुम कह कि 4.14 टाँग 10 पैसा बेसी मत खर्चा लगवा तो किसी ना तुम 203 लीटर रे 4.1 मल्टीप्लाई कर दियो बस सरला तो 4 2 गुणे 8 आउ 4 3 12 और 0.1 जदि मल्टीप्लाई कर ली तो 20.3 तो आंसर आसवा 832.3 जेनटा कि नियरेस्ट टू केंड आवा 832 हो गला तो तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम निजे ट्राए करो फास्ट एटी कुहाई जी कण केना जल्दी जल्दी करि पारबो देखो ये क्वेश्चन दिया ला ए टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग ए टी एट 9 पर कप माने 9 टंका से कहला कि 50% प्रॉफिट लगी ताकि 9 टंका रे गुटे चा बिकवार के पड़ू थिला एती हला तो तार पर कहला व्हेन द कॉस्ट इज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज बाय 25% यदि जहां भी चार जिंस पकोदला से यदि 25% रे हाई खला माने बढ़ी गला ही स्टार्टेड सेलिंग टी एट 10 10 पर कप माने से 10 टका रे किन बिकवा स्टार्ट कला एति हला तो व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट नाउ व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट नाउ तुम का को जी बुझो फास्ट तो आईडी को हा लागी तुम अगुरु 50% प्रॉफिट रे बिकु दलो 50% प्रॉफिट माने तो पाखरे 150% आसु दला 150% आसु दला केते बेले जेते बेले 9 टका रे सेल कराउ दला आसु दला ना 150% माने केते 3/2 3/2 तो तुम 3 भाग वैल्यू जदि 9 टका हला तो मते बताओ 2 भाग वैल्यू केते बा 6 टका बा तो 6 टका तुम कण वाला सीपी 6 टका वाला तुम कॉस्ट प्राइस तो तुम जान पार कि तुम कॉस्ट प्राइस है 6 टका जेनटा कि तुम एखे बिकुच 10 टका तो तुम फायदा के तुम कह कि 6 रे 10 जेना 6 टका जिनस दिल तुम तक 10 टका बिकिच एति फास्ट हो गला सेकेंड टा देख सी कहला कि तुम इनग्रीडियंट के बढ़ला 25% बढ़ला जदि 25% तुम इनग्रीडियंट बढ़ी जा 25% तुम इनग्रीडियंट बढ़ला 25% मान 4 रु 5 है तो तुम कंजप्शन 5 रु 4 हवा कि जदि तुम इनग्रीडियंट बढ़ला 4 रु 5 एटा मानने प्राइस हाइक है तो तुम कंजप्शन तो ये कमेब ना 5 रु 4 बास ये तुम 5 रु 4 गुणन कर दियो 5 रु 4 तेज मतलब जना पड़ जाएगी प्रॉफिट के पांच रे काटे 5 गुणे 10 2 रे काटे 3 तार मैंने यहाँ जना पड़ा कि जेन जिनस 3 मुझे फाइनाली 4 बिकली जेन जिनस 3 थी फाइनाली 4 बिकली तुम प्रॉफिट के 3/1/3 1/3 प्रॉफिट मैंने 33 1/3% प्रॉफिट 33 1/3% प्रॉफिट छोटिया छोटिया क्वेश्चन बाकी जानते हो कि क्या करा हुए तो आंसर है ऑप्शन सी तुम राइट आंसर है तार पर क्वेश्चन देखा देखो आईडिया इन ए फैक्ट्री विथ 400 एम्प्लॉइज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इज 5:3 There are 87.5% regular employee in the factory. If 92% female employee are regular employee, then what is the percentage of regular female employees? हला? एक क्वेश्चन कहना करा जीबा देखमा क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सर जीबा बहुत छुटिया छुटिया क्वेश्चन अच्छे हला तो बाकी करी जानबो तो छुटिया थीबा नले बहुत तुमको कॉम्प्लेक्स लग जीबा ठीक है जी तो देखो देखो वाई जी की इन ए फैक्ट्री 400 एम्प्लॉई टोटल एम्प्लॉई के 400 है तो द रेशियो ऑफ द मेल एम्प्लॉई
टू दैट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय है 4:5:3 माने 5 3 8 तो तुमको कि 5 रो वैल्यू आउ 3 रो वैल्यू तुम इंडिविजुअली बाहर करि पारबो जदि 5 3 8 टाला 400 माने 50 50 गुणन होउची तो मेल थीबे 250 और फीमेल थीबे 150 नंबर रे एतकी हो गला फास्ट एतकी जानि पारलो पूरा एटा हला मेल एटा हला फीमेल एटा हला मेल एटा हो गला फीमेल एतकी पूरा क्लियर हो गला फास्ट रे तापर तापर आगे जहाँ भी चाहे करी करी चलमा बहुत किसी बहुत मानने बहुत बड़ जिनस ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाए ये कण हो देख सी कही लिखाई इफ ये फास्ट कहला ना देर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री तो रेगुलर एम्प्लॉय के 87.5% तुम तो जानी कथा कि 87.5% फ्रैक्शन वैल्यू के 87.5% बाला 7/8 7/8 तो माने टोटल जो 8 थी तो सही हिसाब से 7टा हला रेगुलर एम्प्लॉय एटा हला रेगुलर एम्प्लॉय हला तो तुम्हें कहो कि 8टा जदि 800 संगे समान हला 8टा जदि सॉरी 8टा जदि 400 संगे समान हला एटी 400 दिया जे ना 8टा 8 जदि 400 संगे समान हला कि टोटल केते अछन टोटल अछन एतकी तो 8टा जदि मैं कहो कि 400 संगे समान हला तो बताओ 7टा 350 संगे समान हबा कि तो तुम्हें जान पार कि 350 से भितर रेगुलर एम्प्लॉय अच्छे रेगुलर एम्प्लॉय कितने अच्छा 350 अच्छे एतकी हो गला तो तापर ये कहा कि 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर एम्प्लॉय माने यही जेन एटा अच्छे मेल रो एता 90% सॉरी 92% आसबा 92% जदि 92% बाहर करबार अछि तुम्हें 8% माइनस कर दियो ना 2500 माने 20 माइनस कर दियो जदि 20 माइनस होला तो ये आसबा के 230 टा मेल तो 230 टा मेल भितर रेगुलर एम्प्लॉय थिवे आ टोटल जदि हे के 350 अछन तो मते बताओ बाकी तो फीमेल रो थिवे ना बाकी फीमेल रो थिवे कि ने रेगुलर एम्प्लॉय मेल रो ले 230 बाकी मैं टोटल जानि जे 350 तो फीमेल थिवे 120 हला तो एटा ही क्वाइज देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय टोटल फीमेल एम्प्लॉय केते अछन 150 आ से भीतर रेगुलर एटा ला टोटल फीमेल एम्प्लॉय रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय हला तो अब यही तार परसेंटेज मागी जो 30 रे काटि बेले 30 चो 120 30 50 तो 5 रो जो 4 हला तो ये केते परसेंट हबा 80% हे जीवा केते जीवा 80% तुम राइट आंसर हे जीवा बुझियला तबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा हां एडी कहै छी कि ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1% एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस डज द सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज एडी को हाला कि तुम्हें जदि खर्चा आगे तुम 65% रे बढ़ेल आउ तार परे तुम्हारे इनक्रीज जदि इनकम इनक्रीज है 20.1% रे हला तो सॉरी फास्ट बढ़ेल कहनी ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम माने तुम्हें फास्ट रे तुम जहाँ भी माने दरमा थी सैलरी थी तुम्हें 65% खर्चा कर दिल सेकेंड केस रे कहला कि तुम्हें तार सैलरी जदि तुम एखे इनक्रीज है सैलरी इनक्रीज है 20.1% रे तुम एखे मानिक चल दरमा बढ़ीगला जदि दरमा बढ़ला तो तुम खर्चा भी तुम बढ़ेब तो सही हिसाब से क्वेश्चन बनई द एक्सपेंडिचर इज इनक्रीज बाय 20% एक्सपेंडिचर भी कैसे बढ़ी जा 20% इनक्रीज करब तेल तुम सेविंगटा के यहीटा पचार कि सेविंग के बचुची कि इनक्रीज है कि डिक्रीज है एतक जानवर अच्छे हो गला तो देख ये आम के करवा आंसर बहुत जल्दी जल्दी बाहर पाया कि बिल्कुल भी टाइम लगे ना तो स्मार्टली काम करो है देख ये मैं क्या कहूँ तुम्हें ये सब क्वेश्चन सब बड़े ट्राए करब कि 100 रू स्टार्ट करवा लगे फास्ट मानिक चल मोर इनकम थी 100 मानिक चल मोर इनकम थी 100 है टी वेट कर ये किसी गोटे हो गला आगे इरेज कर दूँ फास्ट मानिक चल तुम इनकम थी 100 मानिक चल तुम इनकम थी 100 ठीक अच्छे तो टिके सब सेटअप बहुत जबरदस्त नहीं ना तो ये सब हली वाला जाऊँ तो दिने भी आमर भी ठीक है पूरा से देख पूरा उड़े उड़े मैथ करमा ठीक अच्छे देख ये जी कहला कि ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम तुम्हें कहो कि एंता सब क्वेश्चन सब स्टार्ट कर 100 रु तो तुम मानिक चल इनकम जेन थी इनकम फास्ट 100 थी इनकम तुम थी 100
हला इनकम फास्ट दिला 100 तार बे एटु तुमर कोइला कि 65% तुमे स्पेंड करलो स्पेंड माने खर्चा करलो तो एक्सपेंडिचर केते जेबा तुमर 65 एक्सपेंडिचर जे नासबा तुमे आसला 65 एति क्वेश्चन दे दीछ तो मते बताओ तुम जदि 100 टका कमाणी दिलाओ तुमे जदि सेटु 65 जदि खर्चा कर देलो तो तुम रिमेनिंग बंची थिबा कि 35 जेंडा कि सेविंग आसबा तो सेविंग आसला 35 एति गेला सेकंड केस रे कोला तुमे लेकिन इनकम टा इंक्रीज हबा 20.1% रे 20.1% जदि इनकम इंक्रीज हला तो तुमे कहबो कि ये 20.1% बढ़ी जीवा 20.1% माने पूरा सही नंबर ही बढ़ी जीवा तो जदि सही नंबर बढ़ला तो तुम्हें कहो कि केते आसबा बताओ 120.1 आसबा कि एतकी गला तबे से कोई कि एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एक्सपेंडिचर केते परसेंट इंक्रीज होची 20% इंक्रीज हला 20% माने ये केते बा तो जदि 20% बाहर को भी 10% माने हला 6.5 आउतरे 6.5 माने 13 इंक्रीज हबा केते इंक्रीज हबा 13 इंक्रीज हबा जदि 13 इंक्रीज हला तो ये हि जबा के 78 हला तो मते बताओ तुम्हारे ई केस रे सेविंग केते दिबा ए केस रे सेविंग हबा ए दुटा के माइनस कला पर सेविंग आसबा हला तो सेविंग आसबा 42.1 तो देखो तो तुम्हारे सेविंग रे इंक्रीज हला कि इंक्रीज होची केते रे इंक्रीज होची एटा देखमा इंक्रीज तो दुटा ऑप्शन देई छी एटा एटा तो डिक्रीज तो बिल्कुल होय ने इंक्रीज रो केस देखमा तुम्हें कहबो कि एटू बढ़ला के एटा 7 माने 7.1 बढ़ू छी तार ऊपर 35 ऊपर तो सही हिसाब रे 100 ऊपर केते बढ़वा एटा को आइ छी हला तो एटा के सब कटा छटा करबो तो ई आसबा टोटल आसला 710 बाय 35 35 रे काटिबेले 35 दुगुने 70 हुए तो 20 पॉइंट किछु उडास बा तो 20 पॉइंट एटा ही ऑप्शन अछि तो ऑप्शन आंसर जीवा ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर रहिबा लाइन कहन जे कि 35 दुगुने 70 हुए तो आउ गुटे सुन बसे भी तो 700 हिबा हला कि नैला तो 20 दशमिक किछु हबा 21 बार चांस नै तो ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर रहिबा बुझिला त तार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा ऑप्शन बी एलिमिनेट करि सिकले जल्दी जल्दी हो जाए देखो इलेक्शन केस बहुत इंपोर्टेंट सब बेले इलेक्शन केस आसे हला तो एटी डेट भी मेंशन होची तमे जानी परो कि रियलिटी क्वेश्चन केना थाए इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स हला तो 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स हला 10% ऑफ द वोटर्स वेयर फाउंड टू बी एंटायर इनवैलिड और नोटा हला तो द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड ओन the election by 17271 votes find the number of registered vote hala to ei question kena kara jiba dekho joldi joldi answer koma first me mani ki chalbi ki mo total voters 100 thile mo total voters 100 thile total voters kete thile 100 etki gela first tar pare idi kohala कि 5% इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट तो सही 100 रु 5% पिला तो वोट देने यदि 5% वोट नहीं दीजिए तो बोलबे केते हो खाली 95 बोलबे केते बोलबे 95 बोल एकी होला तब से कोई जी कि 10% ऑफ द वोटर्स वे आर फाउंड टू आइदर वैलिड और नोटा हला तो आइदर समने सॉरी आइदर इनवैलिड ओछन नले नोटा ओछन नदा किछि कोआइ छि तो तमे कहबो कि एतु भितरु 10% इनवैलिड ओछन यदि 10% इनवैलिड थिबे 10% यदि इनवैलिड हे गेले तो 10% इनवैलिड माने ये 9.5 एतु माइनस करबी एतु 10% इनवैलिड हे गेले एतु 9.5 माइनस करबी तातु बेटर ना 9.5 रु बेटर ये मुझे जानू कि पॉइंट रे आसबा सेतले मैं एक्स्ट्रा जीरो गुटे गुटे बसे देबे एटी गुटे एक्स्ट्रा जीरो बसेली एटी गुटे एक्स्ट्रा जीरो बसे माने एकिन मोर केते माइनस होबे खाली 95 माइनस होबे यदि 95 माइनस हेले तो 855 होबे 855 पे 100 माइनस कर देना पहिले तरे 5 ऐड कर देबो सॉरी गला तो 855 हेले एतकी गला तार पर काणा को आइ छी देखो से भीतर को लागि जणे एतकी तो आसी गला तबे से कहि जे द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट यदि विनिंग कैंडिडेट 60% वोट रखला तो मते बताओ आरोडा केते रखबा 40% कन्फर्म
जी हारी से 40% એટલે વિનિંગ કેન્ડિડેટ કેતે પરસેન્ટેજ જીતવા 20% જીતવા હેલા કે ને જણે જોદી 40% રખલા આરોડા 60% આ યે જીતલા કેતે રે 20% રે વિન હેલા આ ઇડી લખાય છે એટકી પરસેન્ટ રે તમે જીતલો તો 20% જીતાય છે તાર મને એઈ તાર 20% મને હેલા 1/5 એતાર 1/5 રો વેલ્યુ 17271 એટકી લાગી એટકી ગલા તમે જોદી એડા કેન્સલ કરું જી 5 રેડા જોદી કાટલી તો યે આસવા કેતે 171 17585 और 1 तो ये रिप्रेजेंट करूची 17271 और ये केते मल्टीप्लाई है जी जो देखबो कि इतकी यूनिट एना में कणकी 100 नै की चलना माने इतकी भाग नै की चली चला इतकी यूनिट रो वैल्यू हैला 17271 एटा वोट्स बोली की दिया है जी क्वेश्चन ने माने एटा ही गुटे अंदा 300 जेंडा की हमें जन धरी की चालू जी यूनिट सेटा में नंबर्स रे रिप्रेजेंट करी पारबा हैला तो एईटा ही रिलेशन बनबा तो ये कैसे मल्टीप्लाई है जी मल्टीप्लाई है जी कैसे ये 101 मल्टीप्लाई है जी काटी की देखो 101 आसवा ये 1 एता से कैंसिल करो 101 मल्टीप्लाई बा जदी 101 80 मल्टीप्लाई ला तो तुम्हें जानो कि सब पार्ट रे 101 भी मल्टीप्लाई हितवा तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर केते दिले हमें एकन केते धरी की चली दला 1000 धरी की चली दला तो एडी भी मु 101 जे तो मल्टीप्लाई करबी मोर आंसर आसवा 101 और तार पर 000 तो तुम्हार आंसर केनडा हिबा 101000 ऑप्शन सी तुम राइट आंसर है जीवा ताकि ये वाला तब इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखवा देखो एडी को आई जी के फूड सेलर सेल 65% ऑफ द ऑरेंज दैट ही हैज अलोंग विथ वन मोर ऑरेंज टू ए कस्टमर ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंज एंड टू मोर ऑरेंज टू ए सेकंड कस्टमर ही देन सेल्स 90% ऑफ द 90% ऑफ द now remaining orange to a third customer and is still left with 5 oranges how many oranges did the fruit seller have initially question bahut bhalo ch thik achi to eta tumhe try karo me koji ki ei question me jodi starting adu karbi mane upar adu kori kori chalbi late hoba tumi ka karbi ki na me last adu kori kori jae me koli ki last ta di ketra orange banchila 5 ta orange bikila jete bele 90% biki sala pore 90% jodi biki sala pore ta di banchu ji ketra ketra orange 90% bikila 90% बिकला परे तुम कहो कि 35टा ऑरेंज बढ़ला तो तुमको मना 10% वैल्यू आसवा 90% जदी बिकी सालला तो तुम बोली थीबा के 10% जेंदार वैल्यू ला 5 जदी 10% वैल्यू 5 हला तो 100% वैल्यू केते हबा 50 तो तुम कहो कि एई जिंसो बिकला तो जत्ते बेले तो एई जिंसो नै बिकितला 90% नै बिका हितला आ 5टा नै बोली थीला सेते बेल तक माने ए लाइन टा नाही आसबा तक ताके केतेटा थिला 50 टा ऑरेंज थिला तार पाकरे ठीक लाग कि फर्स्ट तार पर से को लागी 20% से सेल करला जदी 20% सेल करला ताडी बोली थी पाकेते 80% 80% बोली थीबा आउ एक्स्ट्रा दुइटा भी बोली छी तो सेकंड फेज रे तमे कहबो कि 80% रो वैल्यू हला ये तो 50 थीबा दिबा आउ ता संगे 2 एक्स्ट्रा भी तो 80% रो वैल्यू केते 2 एडी से कहला ना एंड सेल 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंज बिक्री कोला 20% तो बोली थीवा के दे 30 80% बाकी मैं जानी छी ए तळो केस त तो किजे हेई नै लेकिन तमे तळो लाइन डा काटी पर ओइटा कंजी के इटर मी सब पूरा फास्ट से सॉल्व कर दे छी फास्ट से सॉल्व कर के मोटी केते आसी गेला 50 आसी गेला तो ए लाइन के पूरा काटो हला तो माने ए लाइन एके नै न बाबा तमर क्वेश्चन रे तमे इडी केते करबी 80% ला 50 संगे आ दुई अधिका तो 80% रो वैल्यू होला 4/5 4 रो वैल्यू जदी 52 हला ए दुटा मिसेले केतेला 52 तो 5 रो वैल्यू माने 100% रो वैल्यू केते आसबा 13 3 39 13 54 माने 13 मल्टीप्लाई जे तो 13 5 65 तो ये आसीबा 65 हला 4 रो वैल्यू जदी आला 52 तो तुमे को बना 13 मल्टीप्लाई जे 13 3 39 13 54 तो 5 रो वैल्यू ता 100% हबा तो एठी भी केते मल्टीप्लाई जेबा 13 13 5 65 एतकी होला तार माने मी ए लाइन ता भी एखन काटी परबी ए लाइन नो भी आउ काम नै न मैं एति दरा पहुंची गेलेनी हला तो तार पे कोई चीज की तो मैं सेटू कितने परसेंट बिक्री करी चो 45% बिक्री करी चो आउ तो मटी गुटे ऑरेंज एक्स्ट्रा बोली च यदि 45% बिक्री कर लो तो मटी रिमेनिंग कितने रहेगा 55% हमें ये टोटल केस टा रिमेनिंग नहीं की चालू चो ये टोटल केस टा हमें रिमेनिंग नहीं की चालू चो टोटल केस रिमेनिंग नहीं की चालू चो बुझी पालो कि नहीं तो 55% बोलवा 55% जन बोलवा से कितने बोलवा ये तो 66 आग्रु अच्छी बाकी तार संगे एक्स्ट्रा गुटे भी वन मोर ऑरेंज तो बोली छी कि नहीं बोली तो ये 66 बोली छी केते बोली छी 66 टा बोली छी
पंचावन परसेंट वैल्यू के जी पंचावन वैल्यू काटबी तो आसवा इलेवेन बै ट्वेंटी तमने हंड्रेड परसेंट रिप्रेजेंट कर ट्वेंटी टाके एगारटा रिप्रेजेंट कर छसठी तो मतलब बताओ ये के मल्टीप्लाय छ मल्टीप्लाय जापारो तो इलेवेन इलेवेन रैल्यू है सिक्सटी सिक्स मैंने ये के मल्टीप्लाय सिक्स मल्टीप्लाय तो हंड्रेड परसेंट ट्वेंटी हे ये भी जो सिक्स मल्टीप्लाय करी के छुणे बार तो एक सौ कोड़े तो टोटाल नंबर अफ ओरेन्स के वन ट्वेंटी थी टोटाल नंबर अफ ओरेन्स बुझीपारुच है नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट स्टार्टिंग आड़ करवा ना तुमको बहुत लंबा लगे तो बेटर कि लास्ट आड़ क्वेश्चन करवा स्टार्ट कर दियो आउ ये टी ना यूनिक क्वेश्चन अच्छी जेन सब क्वेश्चन रिपीटेडली आसे से सब करके लाभ ना था ना बुझीपार तो ठीक है यूनिक क्वेश्चन देख आसबू क्वेश्चन भी मुझे करदेवी है तो जिनकी स्पीड एप्रोच करमा के देख वेन द प्राइस अफ कमोडिटी इनक्रीज बाय ट्वेंटी थ्री परसेंट ए फैमिली रिड्यूस इज कंजप्शन इन सच ए वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट वाज ओनली फाइव परसेंट मोर बाय व्हाट परसेंट द फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन अफ द कमोडिटी करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस है जी एना क्वेश्चन कहला ये क्वेश्चन ने आम जल्दी एप्रोच के करमा मुझे बताऊँ देख ये तो तुम जानवर कथा कि जदि आम प्राइस रे इनक्रीज डिक्रीज हो तो कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर कन्स्टांट अच्छी बाकी एक्सपेंडिचर से पाँच परसेंट एक्सट्रा बढ़ोची एक्सपेंडिचर से कितने परसेंट एक्सट्रा पड़ेगा पाँच परसेंट देखो ये ना व्वेन द प्राइस अफ कमोडिटी इनक्रीज बाय ट्वेंटी थ्री परसेंट जदि प्राइस तुम ट्वेंटी थ्री परसेंट इनक्रीज है ट्वेंटी थ्री परसेंट इनक्रीज है मैंने जेनटा आगु शहे टाँगा थी सी एक नहीं जावा एक सौ तेईस टाँगा जदि यही हिसाब से बढ़ला तो तुम कंजप्शन टा कमा भी यही रेट्रे आगु जेनटा तुम शहे तेईस के जी खाइब कौद लेकिन खाइब शहे के जी एंटा किसी है तो बाकी ये कहे कि तुम एक्सपेंडिचर पाँच परसेंट बढ़ेब जदि एक्सपेंडिचर पाँच परसेंट बढ़ोच तो तुम कंजप्शन भी पाँच परसेंट एक्सट्रा बढ़ी जा पाँच परसेंट एक्सट्रा बढ़ी जाटा दिला प्राइस यहाँ दिला कंजप्शन जेनटा कंज्यूम करुच जदि एक्सपेंडिचर एक्सट्रा खर्चा कल तो तुम से ही रेट्रे अधिका जिनस आनीपार जेन जिन आगू शहे टाँग आणुल से जिनस शहे कोड़े आनब कि जितक रेट्रे तुम प्राइस के इनक्रीज करुच से ही रेट्रे तुम कंजप्शन भी बढ़ी बढ़ी चलवा एटा थिला ओल्ड वाला प्राइस एटा ला न्यू वाला प्राइस एटा भी सेम ओल्ड कंजप्शन माने आगु एत की खाउदलो तमे एटा न्यू वाला तो एक नुआरे जदि तमे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करवाली चाहिलो तो तुम प्राइस माने कंजप्शन भी बढ़ी जावा ना तो एटा भी हेला न्यू तो कंजप्शन बढ़वा तो ये हिजबा के 105 तो देखो तो तार पर भी फाइनली तुम डिक्रीज तो होची लास्ट तक जदि देखबो एटु पूरा लास्ट तक तेबी भी कौन हो डिक्रीज ही हो देख है कि ना डिक्रीज है ना कतरे डिक्रीज है बताओ तो डिक्रीज हो एटीन रतरे डिक्रीज है वन एट एटीन रटीन रिक्रीज है कि कहार ऊपर होन ट्वेंटी थ्री उपला तुम्हें जो तीन काटबी तीन काटू तो तीन जो कैनसल कर लगे देवा तीन छः अठर तीन छु बार और तीन के तीन है तो सिक्स बाय फोर्टी वन तुम्हें कहो कि वन बाय फोर्टी वन वैल्यू के वन बाय फोर्टी वन वैल्यू हाँ एक टू होल एटीन बाय फोर्टी वन परसेंट आईटा मतलब सिक्स बाय फोर्टी वन दरकार तुम यही सैडे जो सिक्स मल्टीप्लाई करी तेज सिक्स बाय फोर्टी वन हो सैडे भी सिक्स मल्टीप्लाई करी तो छः दुगुणी है बार अठर छक है शहे आठ बाय फोर्टी वन तो जो फोर्टी वन फेर आउ कली तो फोर्टी वन टू जै आसवा तमें आसवा ट्वेल्व प्लस ये आसवा के टू होल जदि फोर्टी वन टू लिखली है तो फोर्टी वन इंटु टू कले के आसवा फोर्टी वन इंटु टू एटी टू एटी टू जी एटू माइनस हो मैंने कह टू होल एटी टू जदि माइनस होगा तो आसवा ट्वेंटी सिक्स बाय फोर्टी वन ट्वेंटी सिक्स बाय फोर्टी वन परसेंट सब परसेंटेज मुझे अलरेडी बाहर कर दिली बुझीपार तो तो दुटा मिसिक बार दि मिसिक चौदह फुल ट्वेंटी सिक्स बाय फोर्टी वन परसेंट तो ऑप्शन देख ऑप्शन कण दिखाई ये ऑप्शन दुईटा दिखाई देख ऑप्शन एटा भी दिखाई आईटा भी दिखाई तुम आंसर के देख ये आउ बाहर करवा ना ये तो आंसर एंता ही बाहर करदेवि जदि मुझे पॉइंट फाइव ये पॉइंट फाइव रू कम अच्छी ये पॉइंट फाइव रू कम अच्छी ये पॉइंट फाइव रू बेसी अच्छी ये अच्छी पॉइंट फाइव रू कम मैंने मुझे जब फोर्टीन पॉइंट फाइव देखी तो ये पॉइंट फाइव रू कम अच्छी नंबरटा है कि नहीं टिके टिके खाली मुझे कहली ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत तो थाए ऑब्जर्वेशन स्किल जदि तुम्हें बहुत ध्यान से देखी पार जिन बहुत जल्दी जल्दी पार बाकी ये हूँ फोर्टीन पॉइंट फाइव रू अधिका अच्छी कि नहीं फोर्टीन पॉइंट फाइव रू अधिका
ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବି କି ଇଏ 14.5 ଆସିବା କି 41 ରୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଧା କରିଛି ଯଦି 41 ରୁ ଅଧା ତ 20.5 ଆସିଥା ମାନେ ଉପରେ ଯଦି 20.5 ଥିତା ତେବେ 0.5 ହେଇଥିତା ହେଲା ତ ବାକି ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବା 14.6% ହେଇଯିବା ମୁଁ କାଁ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ କି 14 ହୋଲ 20.5 ବାଏ 41 ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥା ତୁମେ ଏଇଟାକେ ଲେଖିପାରିଥି 14.5% ବାକି ଏଇ ଉପର ନମ୍ବରଟା ଦେଖ 20.5 ରୁ ବେଶୀ ଅଛି କେତେ ଅଛି 26 ତାମାନେ କନଫର୍ମ ଏତାଠୁ ଅଧିକା ହିଁ ଆସବା ଯେ ନମ୍ବର ଆସବା ଏତାଠୁ ଅଧିକା ଆସବା ମାନେ 14.5 ରୁ ଅଧିକା ଆସବା ହିଁ ଆସବା ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଅପସନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ତ ଆନ୍ସର ଅଛି 14.6 ତ ସରିଲା ବୁଝିଲା କି ତାପରେ ଦେଖମା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଇଜ 40% ମୋର ଦେନ୍ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସେଭିଙ୍ଗ ହେଲା ଇଫ୍ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ 40% ଏଣ୍ଡ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ 60% ଦେନ୍ ହି ସେଭ୍ସ 2070 ମୋର ଇନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜ୍ ଇନିସିଆଲ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇନ୍ ରୁପି ହେଲା ତ ଏଥର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦୁଇ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷେ କେତେ ହେଉଛି ଫେଜେକ୍ସ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ତ ଫେଜେକ୍ସର ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତ ସରି ଫେଜ ଆଇଏକ୍ସ ହେଲା ତ ଫେଜ୍ 9 ଗୋଟେ ଆସୁଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଠି ଦ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଇଜ୍ 40% ମୋର ଦେନ୍ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଲଗେଇବ ନା ତୁମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଭେରାଇଟି ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଗରୁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଆସୁଲା ଜାଣିଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଲାର ଏଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଛି ନା ଦ ସ୍ପେଣ୍ଡ ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଏକେନ୍ ଦେଖ ଇଏ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ ହେଇଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ତୁମେ ସେଥିଲାଗି କୁହେ କି ଲାଟେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ସେଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାର ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଲାଗି ରିପିଟ୍ ହେବା ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଇଜ୍ 40% ମୋର ଦେନ୍ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସେଭିଙ୍ଗ ତାର ମନ୍ଥଲି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ରୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 40% ଅଧିକା ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିବି ଏଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିବା ଗୋଟେ ଆସିବା ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ଆସିବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବା ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଏତିକି ଆସିଲା ସେ କହିଲେ କି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ରୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟା 40% ମୋର ଅଛି ଯଦି 40% ମାନେ କେତେ 40%ର ମାନେ ହେଲା 2/5 ତ ତୁମେ କହିବ କି ଯଦି ସେଭିଙ୍ଗଟା ତୁମର 5 ଥିବା ତ 5ରେ 2 ଅଧିକା ହେଇକି ଇଏ 7 ଆସିଯିବା ହେଲେ 40% ଅଧିକା ହେଲା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟା ଯଦି 5 ତୁମେ ସେଭ୍ କରିଛ 7 ଖର୍ଚ୍ଚା କଲା ପରେ ତ ତୁମେ ବତାଅ ନା ତୁମର ଦରମା 12 ଥିବା କି ତୁମର ଇନକମ୍ 12ର ଥିବା ତେବେ ନା 7 ଖର୍ଚ୍ଚା କଲେ ବି 5 ବଳିଗଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କହୁଛି କି ଇଫ୍ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 40% ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖ 40% ଏଠି ଲେଖିଛି 60% ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଲଗେଇଛି ତୁମେ କିଛି କରେ ନାହିଁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିରୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗେଇଦେବି ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଠି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଜିରୋ ଲଗେଇଦେଲି ଏଠି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିରୋ ଏଠି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିରୋ ମାନେ ମୁଁ 50ରୁ ନେଇଥିଲେ ବି କିଛି କାମ ସେଇ ସମାନ ହିଁ ଆସିଥିତା କାହିଁକି ଏଇଟା କଲି କାହିଁକି ମୋତେ 40% ଯେତେବେଳେ ଏତାର ବାହାର କରିବି ନା 12 44 ଏଠି ଯଦି ଜିରୋ ନାହିଁ ଲଗେଇଥିବି 4.8 ଆସିଥିତା ପଏଣ୍ଟରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନମ୍ବର ନବ ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କର ନା ବହୁତ ଭୁଲ ନମ୍ବର ନେବାର ଲାଗି ଡେସିମଲ୍ସ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନିଅ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମେ କହିବ କି ଏଇ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ଏଇଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 40% ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା 40% ମାନେ ହେଲା 12 44 ମାନେ 48 ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ 48 ଇନକ୍ରିଜ ହେବା ଯଦି 48 ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ତ ଏଖେନ୍ ତୁମର ନୂଆ ସାଲେରୀଟା କେତେ ହେଇଯିବ 168 ହେବା କି 168 ହେବା ନା 120 48 ମିଶେଇ ଦିଅ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାପରେ ସେ କହୁଛି କି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇନକ୍ରିଜ କଲା 60%ରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି 60%ରେ ଇନକ୍ରିଜ କରବା ମାନେ ଏଇଟା 60% ବଢ଼ବା ଏତା ଯଦି 60% ବଢ଼ିଲା ତ 6/42 ମାନେ 42 ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି 42 ବଢ଼ିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ଆସିବା କେତେ 7/4 ମାନେ 112 ତ ମୋତେ ବତାଅ ଏଇ କେସରେ ସେଭିଂ କେତେ ଥିବା ଏଇଠୁ 112 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ତ ଆସିବା କେତେ 56 କେତେ ଆସିବା 56 ଏତିକି ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକେ ମାଇନସ୍ କର ତେବେ ଆସିଯିବା ତୁମର ସେଭିଂ ଯେନ୍ଟାକି ହେଇଯିବ 56 ହେଇଗଲା ହେଲେ ସିଏ କହିଛି କି ତୁମର ହିସାବରେ ତୁମେ କେତେ ସେଭ୍ କରିପାରିଲ ମୋତେ ବତାଅ ତୁମେ ତୁମର ହିସାବରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଭିଂସ ହେଲା 6 ୟୁନିଟ୍ର ବାକି ଯେନ୍ଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଦେଇଦେଇଛି କି ତୁମେ ଦେନ୍ ହି ସେଭ୍ 2070 ମୋର ଇନ୍ ଏ ମନ୍ଥ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା 2070 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲା ତ ସେ କହିଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନିସିଆଲ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇନିସିଆଲ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ଇନିସିଆଲ ବାଲା ଇନିସିଆଲ ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଇନିସିଆଲ ତ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ରେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଯିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ଇନିସିଆଲ ବାଲା ସବୁ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ ଇନିସିଆଲ ବାଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଟା ଇନିସିଆଲ ବାଲା ହେଲା ତ ଦେଖ ତ ଇନିସିଆଲରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ ଥିଲା ଏଇଟା ଇନିସିଆଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 70 ଥିଲା ତ ତାର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି 6 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଆହେଇଛି ମୋତେ 70 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆନ୍ସର ବାହାରିଯିବ
70 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରୁଛି, ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଛଅରେ କାଟିବି ତ କେତେ ଆସିବା, ଛଅ ତିରି ଅଠର, ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଆସିଲା, କେତେ ଛଅ ଚଉ ଚବିଶ, ତିରିଶ ଆସିଲା, ଛଅ ପଞ୍ଚା ତିରିଶ, ମାନେ ଏଇଠି କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, 345 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା। ତ ଏଠି ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି କେତେ, 345 ଇଣ୍ଟୁ 345 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଯଦି 345 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତ ଆସିବା 24150। ତ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବା, ହେଇଗଲା। ଠିକ୍, ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥିବା, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣବାର ରିଜନ୍ ଏଇଟା କି ତୁମେ ଭେରାଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିପାର, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଏନ୍ତା ସିରିଜ୍ କରିବି, ଆଉ ଏମ୍ଟିଏସ୍ର ବି କହିଥିଲୁ ତ ଏମ୍ଟିଏସ୍ର ବି ସିରିଜ୍ କରେଇବି। ଏମ୍ଟିଏସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଏଇଟା ତ ଇଜି ଅଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବା, ୟାକେ ଫାଷ୍ଟ କରା, ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକି ଏନ୍ତା ହିଁ ଦେଖୁଥାଅ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କର, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦେବ, ଏମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମାନେ ଆମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମଠି ଥିବ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଜଏନ୍ କର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମିଳିଯିବ, ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ହେବା ତ ତୁମର ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ବି ତୁମେ ସେଇଟା ସେୟାର କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହଉ, ଭିଡ଼ିଓକେ ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଦେଖିଥିବାର ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।